तो ही व्हाट्सअप गेमर्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम कुछ ट्राई करने वाले गाइस माइनक्राफ्ट के कुछ टिकटॉक हैक्स। लेकिन गाइस टिकटॉक तो इंडिया में बैन हो चुका है, एंड गाइस इन सारे टिकटॉक हैक्स को हम ट्राई करने वाले हमारे माइनक्राफ्ट के पॉकेट एडिशन के अंदर, क्योंकि सर मेरे पास पीसी नहीं है, क्योंकि गाइस मैं गरीब हूँ। तो गाइस आज के हम टिकटॉक हैक्स को माइनक्राफ्ट के पॉकेट एडिशन के अंदर ट्राई करने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना। एंड गाइस ये टिकटॉक है कि हमारी पहली वीडियो, तो गाइस इस वीडियो को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आपकी वीडियो कैसी लगी। चैनल पे पहले बार आओ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड गाइस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अच्छा हमको सिखा रहा है, अच्छा तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। तो गाइस जो यहाँ पर सबसे पहला टिकटॉक है के, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पता नहीं क्या बना रहा है। यहाँ पर शायद ये डायमंड्स वगैरह का ब्लॉक रखा है इसने, एंड फिर इसने ग्लास के पेन लिए, फिर क्या कर रहा है ये इसके ऊपर। अबे ये क्या भाई, टावर वावर बना रहा है क्या? लगता है, मेरे को लग रहा है बिजली का खंबा बनाएगा कलरफुल वाला, पता नहीं क्या बना रहा है, चल देखते हैं। एंड फिर इसने ये बीकन लिया, एंड इस बीकन को, अरे भाई साहब क्या लग रहा है गाइस यार, बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है ये यार। इसे तो अपने को ट्राई करना चाहिए, देखते हैं हमारे वर्ल्ड में करता भी है कि नहीं करता है वर्क, देखते हैं इसे करके। तो गाइस यहाँ पर मेरे वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ, ये मुझे कहाँ पर बनाना चाहिए, तो चलो इस जगह पे हम यहाँ बनाते। तो यहाँ पर मुझे कुछ इस डायमंड के ब्लॉक को कुछ इस तरीके से प्लेस करना है, तीन ब्लॉक को, एंड इसके बाद मुझे बाकी के और यहाँ पर दो ब्लॉक इस साइड से लगाने, कुछ इस तरीके से ये एक स्क्वायर बन चुका है। फिर मुझे यहाँ पर ग्लास के पेन को लेना है एंड इसे ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पर फटाफट से करता हूँ। तो अरे यार ये क्या हो रहा है, अरे यार ये मोबाइल एडिशन के अंदर का सर यही चीज़ बेकार लगती है मुझे यार, ये अच्छे से हो नहीं पाता, इसके अंदर कंट्रोल्स वगैरह कम रहते ना, इस चक्कर में यहाँ पर हो नहीं पा रहा है। तो रुको मैं यहाँ पर फटाफट से इसे कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे ही ग्लास के जो टावर का है जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जो कि यार देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप यहाँ देख सकते हो गाइस एक अच्छा सा टावर खड़ा हो चुका है। इसके बाद अब मुझे यहाँ पर ये बीकन को लेना है, एंड जो है लास्ट वाला जो नीचे का जो ग्लास इसे तोड़ देना है, एंड यहाँ पर इस बीकन को रख देना है। तो गाइस यार बूम गाइस देखो कितना ज़्यादा तगड़ा लग रहा है यार, ये तो रियली में वर्क करता है पॉकेट एडिशन के अंदर यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कलर्स वगैरह का कितने ज़्यादा तगड़े लग रहे हैं, नहीं तो अगर ये सिंपल रहता तो व्हाइट कलर का देता, लेकिन एक ग्लास के चक्कर में गाइस काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको एकदम रेनबो जैसा दिख रहा है यार, मस्त लग रहा है, मुझे तो यार पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया ये है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर से बताना। अब बढ़ते हैं जरा यहाँ पर हमारे नेक्स्ट हैक की तरफ। तो सेकंड हैक के अंदर यहाँ पर इस बंदे ने इस कुछ स्टेयर्स को रखा, एंड इसके अंदर यहाँ पानी डाल दिया है बकेट से, एंड फिर यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये डिक करा है क्या इसने? हाँ दो ब्लॉक डिक करा है इसने, एंड इसने वापस से ऐसे ही दो ब्लॉक और डिक करा, एंड फिर और करा यार, फिर क्या कर रहा है यहाँ पर डबल चेस्ट रखी इसने फिर यहाँ पर। फिर ये क्या हाथ में होपर लिया, एंड इस होपर को इसने क्या कर रहा है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर इसने इसे प्लेस कर दिया, एंड बाकी फिर से दो ब्लॉक डिक करे इसने। फिर क्या ग्लास रख दिया यहाँ पर, फिर क्या कर रहा है भाई ये, फिर अच्छा ये लावा को भी यहाँ पर लिया इसने, लावा भी रख दिया, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, अरे ये कहाँ से आ गया यार कोबलस्टोन, अच्छा ये कोबलस्टोन का फार्म है यार। अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्या यार अपने सर्वाइवल के लिए, अगर आप नया नया वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हो तो उस टाइम तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कोबलस्टोन के लिए। इसे तो यार ट्राई करना बनता है यार, इसे देखते हम ट्राई करते हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर काम करता है कि नहीं करता है। चलो तो इस हैक को ट्राई करते हैं, तो मैं कहाँ पर बनाऊँ, तो चलो इस जगह पे यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ स्टेयर लेते हैं, यहाँ पर ब्लॉक को डिक करते हैं, स्टेयर को प्लेस कर देते हैं, फिर इसके अंदर वाटर बकेट डाल देते हैं एक, एंड फिर इसके बाद क्या करना था, फिर हाँ इसके बाद यहाँ पर मुझे डिक करना है ब्लॉक को, दो बार डिक करना है नीचे, एंड सेम तरीके से दो बार और करना है। तो यहाँ पर फटाफट से कर लेते हैं, तो यहाँ पर मेरे दो ब्लॉक डिक हो गए। इसके बाद मुझे यहाँ पर चेस्ट को लेना है, एंड यहाँ पर डबल चेस्ट को प्लेस कर देना है। तो यहाँ देख सकते हो प्लेस हो चुकी है। फिर इसके बाद क्या करना था मुझे, शायद से होपर लेना, हाँ होपर लेना है, एंड होपर को क्राउच करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं इसे प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो प्लेस हो चुका है। इसके बाद मुझे यहाँ पर दो ब्लॉक और डिक करने हैं, एंड फिर क्या करना था, हाँ यहाँ पर एक ग्लास रखना था शायद, तो ग्लास ले लेता हूँ पहले मैं, तो यहाँ ग्लास ले लिया। अब इसे यहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ इस जगह पर, चेस्ट के ऊपर शायद प्लेस करना था, तो चेस्ट के ऊपर ही प्लेस करते हैं अपन। तो यहाँ पर मैंने कर दिया, फिर यहाँ क्या करना, हाँ फिर इसके यहाँ लावा लेना है, एंड लावा को यहाँ रख देना है, एंड ये वर्क कर रहा, अरे कर रहा है यार गाइज, ये तो वर्क कर रहा है, यहाँ देखो यार कोबलस्टोन आ चुका है। एंड इसको यहाँ पर थोड़ा सा एक रास्ता बना देते अच्छे से के लिए,
तो हाँ ये देखो यार यहाँ पर कोबलस्टोन आ चुका है, पहले यहाँ सर्वाइवल में कर लेता हूँ, फिर देखते हैं हमारे में कलेक्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं सर्वाइवल में आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं इसको करता हूँ, यहाँ पर ब्रेक करके देखता हूँ कि ये मेरे कलेक्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसे ब्रेक कर रहा हूँ तो शायद से कलेक्ट हो रहा है, शायद वो हॉपर में, अरे यहाँ का पानी में भी जा रहा है क्या भाई, मेरे को लग रहा है ये लावा में भी जा रहा है एंड पानी में भी जा रहा है, तो इसके लिए क्या करें। हाँ तो इसके लिए सर एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर आपको ग्लास लेने एंड ग्लास को आपको कुछ इस तरीके से प्लेस कर देना लावा के ऊपर कुछ इस तरीके से, एंड जो पानी है ना इसके ऊपर भी आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस कर देना, और सामने प्लेस कर दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, जिससे होगा कि आप जब भी डिक करोगे तो अगर इसी के अंदर रहेगा और जाएगा कहीं नहीं, एंड डायरेक्ट गेजर आपके हॉपर से जाएगा एंड सीधा आपको चेस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने ऐसा कर दिया, इस टाइप से आपको बना लेना है एंड सामने भी कर सकते हो करना हो तो, एंड ये बाकी के जो भी है इन्हें ब्रेक कर दो एंड फिर यहाँ नीचे डिक कर देना, एंड फिर जो बाकी का काम है आपको तो पता ही है, इसके बाद फिर आपको यहाँ पर इसको यहाँ पर तोड़ते रहना है, जिस जैसे तोड़ोगे तो ये सारे के सारे होपर के अंदर जाएंगे एंड होपर से आपके चेस्ट के अंदर चल जाएंगे, वहाँ से फिर आप इन सभी को कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कलेक्ट हुए भी है कि नहीं हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारे मेरे कोबलस्टोन कलेक्ट हो चुके हैं जितने मैंने ब्रेक करे थे। तो यहाँ पर मैंने कुछ 10 को यहाँ पर ब्रेक करा था तो 10 के 10 मेरे यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा काम का है कि इस हैक की मदद से अगर आपने जो शुरू शुरू का वर्ल्ड रहता है ना उसमें आपका काम गजर काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, जिससे अगर आपके पास कोबलस्टोन की कभी कमी होगी नहीं, एंड गजर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसे आप फिर ऑटोमेटिक भी बना सकते हो, यूट्यूब पर आपको कई सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाएंगे। तो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, हमारे जब हम शुरू शुरू में जब खेल रहे हो तब के गजर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आया, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। तो गदर अब मैं आपको थर्ड एक बताता हूँ, तो गदर थर्ड जो है कि गदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि एंड गदर एक टाइप से फनी एक भी है, आपको जरूर से पसंद आएगा। तो इस हैक को हम कहाँ पर बनाएं, तो इस हैक को यहाँ पर मैं बीकन के सामने ही बना देता हूँ। तो ये मैंने पूरा बीकन को कंप्लीट कर दिया है, तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमें यहाँ पर ब्लॉक को डिक करना है, जो हमारे डर्ट ब्लॉक है इन्हें कुछ इस टाइप से आपको डिक कर देना है, दो बार आपको डिक करना है कुछ ऐसे 6 ब्लॉक को, फिर आपको सीधे सामने यहाँ पर 3 ब्लॉक डिक करना है, एंड फिर जो यहाँ पर आपको जो बीच वाला है ना 3 ब्लॉक के इधर साइड में आप देख सकते हो, आपको इधर इसको भी यहाँ पर डिक कर देना है, फिर आपको जो सेम जो आपने सामने करा था उसी टाइप से आपको यहाँ पर और 6 ब्लॉक को डिक कर देना है एक एक बार, एंड इस तरीके से आपको यहाँ डिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना, आर्मर स्टैंड को आपको ऐसे प्लेस कर देना है इन सभी के ऊपर। तो आपको शायद समझ आ गया होगा अभी, या फिर नहीं भी आया होगा, देखते रहो, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा ये एक। तो यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरीके से, अरे ये क्या हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको आर्मर स्टैंड को भी यहाँ पर प्लेस कर देना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना, कंपेरेटर की जरूरत पड़ेगी, तो आपको कंपेरेटर को यहाँ पर आप ध्यान से देखो सर आपको किस पोजीशन में आपको यहाँ पर प्लेस करना है। तो यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरीके से, जो इनके जो एक एक जो डॉट रहते हैं सर आपके इधर आर्म स्टैंड के सामने होनी चाहिए, एंड जो बीच वाला रहेगा उसका जो जो आपका एक डॉट रहता है वो आपके थोड़ा अलग साइड में होनी चाहिए, मतलब उसके अपोजिट साइड में होनी चाहिए। सेम तरीके से आपको दूसरी साइड भी इसी तरीके से कर देना है, जो बाकी के जो दो रहते हैं आपके जो उनके डॉट वो आपके आर्म स्टैंड के सामने होनी चाहिए, एंड जो बाकी के दो है उनके अलग होने चाहिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी रेड स्टोन रहते हैं सर आपको इसे पूरा कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ऐसे आपको यहाँ लेयर ला देना है, एंड बाकी जो ये दो है इनको भी आपको सेम तरीके से यहाँ पर आपको कर देना है। तो अब शायद मेरे को लग रहा है आपने ये हैक पहले भी देखा होगा या फिर नहीं भी देखा होगा, लेकिन आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि एंड आपको पता चल जाएगा कौन सा है कि। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर जो इसके जो ड्रेस वगैरह रहती है इन्हें आपको यहाँ पर प्लेस करा देना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, यहाँ देख सकते हो प्लेस कर देना सारी की सारी को आपको यहाँ प्लेस करा देना है। ब्राउन कलर की यहाँ पर मैं पहना रहा हूँ, आप कुछ भी पहना सकते हो। बाकी ये हैक गेजर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको जरूर से पसंद आएगा, एंड कमेंट करके जरूर से बताना आपको ये हैक पहले पता था या फिर नहीं पता था। तो यहाँ पर मैंने सारे सारे कपड़े पहना दिए हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके जो कारपेट है ना उसे ले लेना, एंड यहाँ पर जितनी भी चीज़ें इन सभी को आपको यहाँ पर पूरा कवर कर देना है। तो अपने फटाफट से हमारी जितनी भी चीज़ें इन सभी को कवर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो सारी चीज़ें का जो सभी गजर कवर कर दी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पर मैंने ग्रीन से करा क्योंकि डर्ट बॉल्क में गजर अच्छे तरीके से मैच हो रहा था, इसलिए मैंने इसे कर दिया। फिर आपको यहाँ पर जो आपके जो प्लैंक्स रहते हैं ना गजर, आपको इन्हें लाना है, एंड आपको कुछ इस तरीके से सामने 3 ब्लॉक अगर आपको यहाँ पर प्लेस कर देना है। ये एक शायद ही गलती से हो गया, इसे आपको यहाँ पर हटा देना है, एंड आपको सिर्फ इतने ही रखने, 3 ब्लॉक रखने। फिर आपको जो ट्रैप डोर रहते हैं इनको अगर आपको कुछ इस पोजीशन के अगर आपको यहाँ पर इसे प्लेस कर देना है। सेम तरीके से आपको सेकंड साइड भी करना है, मतलब आपकी जो दूसरी साइड
साइड उस साइड भी करना है एंड इसे पीछे भी कर देना एंड आपको इसे सामने भी कर देना। तो फटाफट से यहाँ पर देख सकते हो चुका है। फिर इसके बाद सर आपको जो दूसरे वाले ओक आपके जो प्लैंक मतलब जो आपके ट्रैपडोर रहते हैं इन्हें आपको थोड़ा सा ऊपर भी लाना है एंड इसे ऐसे रख देना है। अब शायद आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो हैक गजर काफी ज्यादा अच्छा हैक है एंड फिर आपको यहाँ पर रेड स्टोन को लेना है एंड जो यहाँ पर जो आपका खाली ब्लॉक था गजर आपको इस जगह पे यहाँ पर इसे प्लेस कर देना है। तो यहाँ देख सकते हो बूम गजर कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है, आपको समझ आ गया क्या बन गया है। तो ये कॉफिन डांस है गजर काफी ज्यादा अच्छा हैक है एंड ये काफी ज्यादा वायरल भी होता है एक टाइम पे जो कि यार काफी ज्यादा मस्त लगा मुझे, तो इसलिए मैं सोचा इसको वीडियो में कवर करना चाहिए। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर से बताना। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा ये हैक गजर, मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि अगर इस टाइप की चीजें हम माइनक्राफ्ट के अंदर कर सकते हैं। मुझे अब जाके पता चला कि ऐसी ऐसी चीजें भी माइनक्राफ्ट के अंदर होती है, नहीं तो मुझे तो लगा था यार सिंपल से सर्वाइवल सीरीज चलाओ एंड बस काम करते रहो बस और क्या कुछ करने को है ही नहीं इसके अंदर। पर जब ये हैक्स के बारे में पता चला तो गजर काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे एंड ये आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर से बताना। एंड गजर इस टाइप की वीडियो गजर मैंने पहली बार बनाई हमारे चैनल के ऊपर, तो गजर जरूर से इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर से बताना आपकी वीडियो कैसी लगी। एंड गजर इस वीडियो को जरूर से अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर देना एंड कमेंट जरूर से करना एंड इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना एंड चैनल पे पहली बार आओ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली देखने के लिए। तो बस गजर आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। Brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Yeah.